हर महीने मुझे ऐड मिल जाती थी। तो मैंने पहले साल 12 महीने में 12 एड्स करी, बट लोगों को मेरा रोल इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरे को लीड बना दिया और जो लीड था उसको हटा दिया। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने वहाँ पर सुबह 9 to 9 करा है, एक घंटा ट्रैवल करा है क्योंकि वो नए गाँव में शूट होती थी, एक घंटा वापस बॉम्बे ट्रैवल करा और फिर नाइट शूट करी है एक और चीज़ की, फिर मैं 2 मिनट घर गया हूँ नहाया हूँ और फिर अगली फिर नेक्स्ट नाइट मॉर्निंग आएगा। तो मैंने इतना ये करा है कि मैं ऐसा हो गया था कि मुझे कुछ बस मैं चल रहा था, बस समझ नहीं आता, बट मुझे जुनून था कि शुक्र है भगवान की कृपा से काम तो मिला है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। टुडे आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू वन ऑफ द रेनाउंड फेमस सेलिब्रिटी फ्रॉम बॉलीवुड। यू हैव सीन हिम इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड बिग बॉस सीजन 10 एंड रिसेंटली यू हैव सीन हिम इन कसौटी जिंदगी की, द हार्ट थ्रोब ऑफ द इंडस्ट्री, स्मार्ट हैंडसम हंक। प्लीज वेलकम साहिल आनंद। साहिल वेलकम टू शिराज खान शो। थैंक यू सो मच। और फाइनली ये वैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, हार्ट थ्रोब ऑफ द इंडस्ट्री साहिल आनंद। शुरुआती तुम्हारे करियर के बारे में बात करते हैं, कहाँ से तुमने अपना करियर की स्टार्ट की, और उससे पहले थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, मतलब इंडस्ट्री में एंट्री होने से पहले क्या था। इंडस्ट्री से मेरी फैमिली बैकग्राउंड ले लीजिए तो मेरे डैड डॉक्टर हैं, ओके, मेरी मॉम हाउसवाइफ हैं एंड आई ऑलवेज यूज टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, मेरे दो चाचा एंड दादा दादी, सो आई ऑलवेज स्टेड इन अ जॉइंट फैमिली। सो यू आर अ सिंगल चाइल्ड? आई हैव अ सिस्टर, या आई हैव अ यंगर सिस्टर। ऑलराइट, सो यू बेसिकली फ्रॉम विच प्लेस? आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़, या ओके। और स्कूलिंग और कॉलेज क्या, कहाँ से हुआ? तो मेरी स्कूलिंग हुई थी सेंट कबीर से, इट्स इन 26, देन मैंने 8th 9th करी थी डीएवी पब्लिक 8 सेक्टर से, एंड देन डीएवी कॉलेज में +1 +2, एंड देन आई डिड माय बीटेक फ्रॉम शहीद उधम सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज। तो बहुत जगह पढ़ा हुआ मैं और बहुत दोस्त हैं मेरे, सो या ये तो लॉन्ग लिस्ट। इंडस्ट्री में ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है काम मिलने में, या हम जो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को हमेशा हाइड करके रखते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को देखा गया है? ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, देखो डिपेंड्स, हमारी इंडस्ट्री में ये बहुत चलता है कि यार ये शादीशुदा है, ये है, अच्छा, और ना एक ऑटोमेटिक सी चीज़ आती है, अच्छा ये शादीशुदा है फिर तो इसको ना ये वाले ही रोल देंगे, ये यंग वाले रोल नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, उसके साथ ये नहीं कर सकते, एक ऑटोमेटिकली ना वो अपने दिमाग में ले लेते हैं, ये थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है, थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर आप स्टार हो तो आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके, तो आमिर खान दिल चाहता है जैसे, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कितने बच्चे कितनी शादियां कर ली हैं, बिकॉज दे आर ऑल स्टार्स, बट फॉर अस हु आर स्ट्रगलिंग, हु आर हु वांट टू बी अ सुपरस्टार, हु वांट टू एक्सेल इन दिस फील्ड, बहुत सी लिमिटेशंस आ जाती हैं। आज भी मुझे ये लगता है कि जब मैं, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे को टैटू का बहुत शौक था बचपन से, मैंने बॉडी बनानी ही स्टार्ट इसलिए करती थी कि मेरे को टैटू चाहिए, मैं इस फील्ड में आ गया, राइट, ठीक है, और अब इस फील्ड में आकर मुझे रियलाइज होता है कि टैटू नहीं चलता है हमारी फील्ड में, यू ऑलवेज हैव टू मेकअप और समथिंग लाइक दैट, बट देन कोई मेरे से पूछता क्या हो गया यार, एक्टर हो गया, तो मैं वही कहता हूँ भाई एक बार स्टार बन गया ना, फिर तू देख कितने बनाऊंगा, फिर तो वो भी चलेगा, वो भी चल जाएगा, वो भी चलेगा। और वैसे भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ ज्यादा आउट नहीं करता हूँ, आई एम अ वेरी सीक्रेटिव पर्सन इन माई पर्सनल लाइफ, क्लोज दोस्तों को ही पता है, बहुत क्लोज दोस्तों को पता है कि क्या है क्या नहीं है, बाकी आई ट्राई टू, मैं अपने काम के साथ बस शिद्दत से करता हूँ, उसके साथ सच्चाई करता हूँ, बाकी मेरी पर्सनल लाइफ क्या लेना क्या नहीं लेना, मेरे को ये लगता है कि क्यों जानना है भाई मैं आपके बारे में नहीं जानना तो आपको मेरे बारे में क्यों जानना है। कब आके ये फील हुआ कि नहीं यार अब रिवील कर देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता अब? मैं ये कहूँगा कि हाँ, एक पॉइंट के बाद आपको भी लगता है यार कितना आप छुपा लोगे लोगों से, या कितना आप अपने फैन से छुपा लोगे, या आपको भी लगता है कि हाँ यार अब बता देना चाहिए, यू शुड बी आउट, हाँ अब इतना टाइम हो गया, एंड आई थिंक आई हैव, मैंने अपना वहाँ पर एक करियर में एक मुकाम में पहुँच गया हूँ कि आई कैन बी माई सेल्फ, आई कैन से टू द वर्ल्ड कि ऐसा है। Exactly. और उसके बाद भी आज मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैंने कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को बताया भी तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जो एक सोचा था कि रोल्स ऐसे मिल जाएंगे या वैसा हो जाएगा या लोगों की रिसेप्शन हो जाएगी आपके 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 लिए, वैसा इतना तो नहीं हुआ। या अच्छा साहिल ये बताओ यार, तुम्हारी पढ़ाई एजुकेशन मतलब बीटेक आपने किया, पर ऑल ऑफ द सडन आप एक ऐसे प्रोफेशन में आ गए जिसका इससे कोई भी मतलब रिजेंबलेंस नहीं है, ठीक है, मतलब कभी प्लान किया था कि यार इस फील्ड में आना है, तो ये कैसे हुआ?
प्लानिंग थी ही नहीं किसी चीज़ की, मुझे यही नहीं पता. मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब भी मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे करना क्या है आगे जाके, मुझे यही करना है. डू आई हैव टू बी इन दिस फील्ड ओनली, क्या मैं खुश रहूंगा, ये अपने आप से बहुत सवाल होते थे मेरे. एग्जैक्टली. बट सडनली एक दिन हम कॉलेज जा रहे थे तो दोस्तों ने बोला यार एक कोई रोडीज करके चीज हो रही थी, वहां चलते हैं लड़कियां देख लेंगे. थोड़ी मैकेनिकल थे यार, सारे लड़के होते हैं तो कुछ देखने को मिलता नहीं है. तो सबने ये बोला कि लेट्स गो, एक कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा, क्या होता है ये, देख भी लेंगे कि क्या होती हैं ये चीजें. Exactly. तो वही उसके ऑडिशन पे चले गए, लाइनों में लग गए, फिर आगे आगे पहुंच गए, कभी जीडी कर लिया, कभी वहां कर लिया. अपने मुझे करना नहीं था, मतलब इसलिए मैं शायद बहुत नेचुरल था, इसलिए मैं शायद बहुत रियल था कि ये चीज उनको नोटिस हुई कि यार ये तो बंदा बहुत सही है, रियल है, और मतलब प्रिटेंड नहीं कर रहा है. एग्जैक्टली. और शायद उसी वही चीज मेरी प्लस पॉइंट बन गया एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन रोडीज. एंड ऐसे मैं रोडीज के सफर में चले गया एंड आई वाज इन रोडीज 4. सो दैट्स हाउ आई वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस फील्ड, दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट दिस फील्ड. अदरवाइज मुझे पता ही नहीं था ये एक फील्ड भी है. राइट. क्योंकि बींग फ्रॉम चंडीगढ़ इट्स अ वेरी स्मॉल, वहाँ पे जो भी पहले ऐसा होता था कि जो भी लड़की होती थी तो डॉक्टर बनेगी, लड़का होता था तो इंजीनियरिंग बनेगा, चाहे करना ना करना हो. अच्छा, मॉम डैड का आपका क्या सपना था कि चाइल्ड क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा. इंजीनियर बना दिया, बना दिया. अच्छा ऐसा था. मैं क्रिकेटर था पहले बहुत. ओके. आई वाज अ वेरी, जो एक चीज में मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस था वो था क्रिकेट. बट वो एक चीज थी जो मुझे लगता था कि इनबॉर्न टैलेंट है मेरे अंदर, लाइक वो उसके लिए मुझे मेहनत तो करता था. बट एक होता ना कहीं तो लगता था मुझे ऐसा, क्योंकि आई वाज अ ओपनर बॉलर, ओपनर बैट्समैन फॉर पंजाब, ऐसे में था. बट देन माय पेरेंट्स नेवर वांटेड दैट टू बी क्रिकेटर आल्सो. वो चाहते थे सिर्फ पढ़ो बेटा, पढ़ेगा बेटा अपना हमारा पढ़ेगा. ऐसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कभी फैमिली के अंदर? ऑफकोर्स जो बॉम्बे जाने का डिसीजन था वो मेरा ही था. कि आई थॉट दैट आई विल गिव 3 months टू माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस फील्ड. एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूं, नहीं तो पूरी जिंदगी मैं रिग्रेट ही करता रहूंगा अपनी लाइफ में कि आज जैसे मैं क्रिकेट के लिए रिग्रेट करता हूं, करता रहूंगा कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया. एग्जैक्टली. आई कॉन्ट प्ले फॉर इंडिया. तो वैसे ही मैं एक और रिग्रेट अपने दिल में लेकर नहीं जीना चाहता था कि मैं ये भी रिग्रेट करने लग जाऊं कि मैंने एटलीस्ट ट्राई ही नहीं करा. ट्राई तो करूं. राइट. नहीं हुआ, हुआ वो देखी जाएगी. एटलीस्ट ये तो कहूं हाँ यार ट्राई करता, हुआ नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं. बट वो 3 months भगवान की कृपा से या जो भी ले लीजिए. बहुत छोटा टाइम नहीं था 3 months? बहुत छोटा टाइम था, मतलब बहुत बड़ा रिस्क भी था. अच्छा 3 महीने तो समझ ही नहीं आया. अच्छा अब लगा कल तो आया था, कल तो आया था, अभी तो जाने का टाइम हो गया है. एग्जैक्टली. सो ऐसा था. बट मैं डे वन से ही स्टार्ट हो गया था वहां पे ऑडिशन देना, क्योंकि एक्टिंग भी नहीं आती थी और बॉम्बे जाने का डिसीजन मेरा था तो मैंने घर वालों से पैसे भी नहीं लिए. सो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहा था, रणविजय एंड विशाल के साथ मैं इनिशियली रहा हूँ. ओके. विशाल भी इज अ पार्ट ऑफ रोडीज, राइट? वो मेरे से पहले बॉम्बे जा चुका था, स्प्लिट्सविल कर चुका था. सो ही वाज सेटल्ड देयर विद रणविजय. तो फिर मैं भी गया तो उन्होंने कहा हमारे साथ ही रहो. तो मैं पहले तीन महीने विशाल एंड रणविजय के साथ रहा. तो स्ट्रगल करा बहुत, हर रोज ऑडिशन देने, ये करना, वहाँ सीखना. और भगवान की कृपा से मुझे पहले ही मंथ से एड्स मिलने लगी. और जब मैंने सोचा कि 3 महीने हो गए अब मुझे जान चाहिए, तो मुझे एक शो मिल गया था. ओके. एंड यू नो शायद जब मैं सोचता था मैं अब हो गया बॉम्बे का, लेट्स गो क्योंकि लेट्स पैक अप, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद मेरी जॉब लग गई थी कैलिफोर्निया में. सो मेरी 6 months की ट्रेनिंग थी इंडिया में एंड देन आफ्टर 6 months आई हैड टू शिफ्ट टू कैलिफोर्निया. सो मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मेरी जॉब लगी थी. तो 3 महीने मैंने जॉब करी, फिर मैंने मेडिकल देकर, क्योंकि पापा डॉक्टर थे तो मैंने मेडिकल देखा, चले गया बॉम्बे. अब वहाँ से नोटिस आ रहे हो रहे हैं, कॉल्स आ रहे थे मेरे बॉस के, ये कि कहाँ है भाई, कहाँ है, लाइक वेयर यू बीन, हाउ यू आर, एंड बहुत चीज़ें करनी पड़ी. बहुत बड़ा रिस्क भी था. बहुत बड़ी रिस्क था कि बहुत बड़े पापड़ भी बेलने पड़े. सेटल करियर एक तरफ था, एक दूसरे बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल प्रोफेशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे थे, पता नहीं था, यू नेवर नो क्या होने वाला है. तो उसके लिए आपने सोचो और अपने आप को मजबूत बनाना, ये बहुत बड़ा टास्क था. जी 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 जी. तो ये जब रोडीज से आपने पार्टिसिपेट किया तो रोडीज का आपको कितना फायदा हुआ? मतलब लाइक बॉम्बे में आए आप ऑलरेडी एक शो कर आए थे. हाँ नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं रोडीज करा था तो मैं अपनी इंजीनियरिंग के बीच में गया था. तो रोडीज खत्म हुआ, उसके बाद बहुत ज्यादा फेम हुआ, बहुत कुछ हुआ, इवेंट्स होने लग गए, तो मेरे को इंट्रोड्यूस हुआ फील्ड, ऑफर्स आने लग गए. तो मेरा पहला, सबसे पहला ऑफर बालाजी से आया था. अच्छा. और तो मैं लिख रहे मेरे पापा को, पापा बालाजी से हो गया मेरा फाइनल, हो गया ये, हो गया वो, हो गया, नहीं करना बेटा. अच्छा ठीक, ऐसा था. अच्छा. इस फील्ड में तो जाना ही नहीं है. एग्जैक्टली. तूने घूमना है तो घूम. हाँ. तेरे को चिल करना है तो चिल, तू बॉम्बे जाता है तो मैं बॉम्बे जाता था.
जॉब जब चल रही थी तो इंजीनियरिंग मैंने, हाँ सॉरी, तो मैं रोडीज के बाद इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट करी, फिर मैंने जॉब करी, तो वो टाइम गैप 1.5-2 साल का हो गया था आफ्टर रोडीज. ओके, तो ऐसा नहीं था कि उस चीज़ ने मुझे बॉम्बे जब मैं गया हूँ तो हेल्प करी, या अगर मैं उसके बाद कट्टू चले गया होता, आफ्टर रोडीज ओनली मैं शिफ्ट हो गया होता, तो बहुत हेल्प होती, बहुत ज़्यादा होती. राइट, बट मेरे को 1.5-2 साल लग गए जाने में, क्योंकि आई टू कम बैक, फिनिश माई इंजीनियरिंग, फाइंड जॉब मिली, पेरेंट्स को कन्विंस करना भी, वो करना बहुत मुश्किल था. राइट, और मैंने पेरेंट्स को ऐसे ही बोला कि ये डेट को मैं जा रहा हूँ. ऐसा नहीं था कि उन्होंने, मतलब मेरे डैड ऐसे होते थे हमेशा, यार ये टिकट बुक, चल जा, ये टिकट बुक, जा घूमने जा बॉम्बे, ऑफर आ रहा है, हाँ जा जा, पर करना नहीं है. अच्छा, मैं कहता हाँ चल जाता हूँ, पार्टी पूटी करके आ जाता था. मतलब ऐसा सीन था. बट उस वक्त मैंने अपने डैड से टिकट नहीं ली, मैंने अपने जो जॉब से मेरे को पैसे आए थे उससे मैंने टिकट ली, और मैंने बोल दिया कि डैड मैं इस तरीके को जा रहा हूँ बॉम्बे, मेरे टिकट बुक करवा लिया. और तो वो भी थोड़ा हो गया था कि चलो आ जाएगा वापस, या जो भी है, जोश है अभी थोड़ा, अभी जोश है, करने देते हैं, आ जाएगा वापस. राइट, बट वो 3 महीने, आज 9-10 साल हो गए, हर महीने मुझे ऐड मिल जाती थी. तो मैंने पहले साल 12 महीने में 12 एड्स करी, और बहुत बड़ी बड़ी एड्स करी. मेरी पहले सबसे पहली जो मैंने ऐड करी थी वो थी लारा दत्ता के साथ, आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो दैट इज, मैं गया ही गया था और मेरे को वो मिल गई थी. तो ये चीज़ें जब टीवी पे आती हैं तो उनको भी मोटिवेशन होता है कि हाँ यार हमारा लड़का शायद कर सकता है, लाइक ही कैन डू इट. एग्जैक्टली, वो चीज़ उनके अंदर आने लगी थी धीरे 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 धीरे. और ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेरे को बोला कि वापस आ जा, अब बस हो गया तेरा टाइम, तू बस कर. नो, फिर उन्होंने कभी ऐसा बोला, फिर नहीं, कभी मुड़कर उन्होंने बोला नहीं. और आज की डेट में मैं कह रहा हूँ कि दे आर माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ, दे आर माय बिगेस्ट मोटिवेशन. एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स एक्टर्स की लाइफ कभी ऊपर, कभी काम है, नहीं है, नहीं है, तो वो है कि हमेशा फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है. सो दैट इज, जो मैं वही सोच रहा हूँ, जो लोग इतने अगेंस्ट थे वो आज इतना सपोर्ट करते हैं. सो इट्स अ बिग चेंज फॉर, बिग थिंग फॉर माई पेरेंट्स ऑल्सो, कि ऐसे है और वो खुश हैं, मैं खुश हूँ तो वो खुश हैं. हाँ, ऑब्वियसली जब आप अच्छा कर रहे हो और वो अच्छा खुश देखते हैं तो आपको भी, वो भी खुश होंगे. तो मतलब करियर में जो चेंजेस आए, लाइक उसके बाद जो फर्स्ट बड़ा एक शो, मतलब एड तो कमर्शियल चल रहे थे, मगर ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे कमर्शियल से जी, बीइंग एन एक्टर आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो वो कौन सा पहला शो था जो आपको मिला और आपने कहा कि नहीं ठीक है अब और इसमें करियर देखना चाहिए? वो मैं कहूँगा बेसिकली जो मेरा गेम चेंजर था वो था मेरा नाम करेगी रोशन ऑन जी टीवी. ओके, तो उसकी भी कहानी बताता हूँ. तो मेरा सिर्फ 5 दिन उन्होंने ले लिया था, तो मेरे को सिर्फ 2 महीने का था कि आप 2 महीने आएंगे इस शो में, पहले 2 महीने 5-5 दिन चाहिए, इससे नेगेटिव आएगा. एक होता नहीं है कि लड़की को छेड़ता है और उसको हीरो आता फिर बजाता, तो ऐसा एक डायरेक्टर था. मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, 5 दिन तो जा रहा है, बैगर नॉट द चूजर्स, सीख ही लूंगा. बैगर नॉट द चूजर्स, सीख ही लूंगा, कुछ सीख ही लेंगे, एक्टिंग ही सीख लूंगा मैं. और मैं गया 5 दिन ऐसे करने, बट पता नहीं क्या हुआ कैसे, क्योंकि वहाँ पे जितने भी को एक्टर्स थे मेरे सारे NSD के थे. सो इट वॉज अ बिग लर्निंग थिंग फॉर मी टू सी देम परफॉर्म, टू सी देम हाउ दे परफॉर्म एंड टू लर्न फ्रॉम देम. एग्जैक्टली, सो आई हैव लर्नड एक्टिंग थ्रू ऑब्जर्वेशंस, गिविंग ऑडिशंस, ऐसे ही सीखा हूँ मैं. मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर पाऊँ. पहले आप साल को ये भी नहीं बता सकते थे आप एक्टर नहीं हो. और यहाँ पहले साल 2 वक्त की रोटी भी खाना was a very difficult for me. Absolutely. मैं मानता हूँ. हाँ, तो एक वक्त की रोटी हो जी, वही डिसाइड करना पड़ता लंच या डिनर के लिए. सो वही beggars are not choosers, so वो करा. बट लोगों को मेरा रोल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरे को लीड बना दिया और जो लीड था उसको हटा दिया. क्या आप बात कर रहे हो? मेरे 30 दिन लगने लग गए वहाँ पे. Really? So yeah, that is a big, हाँ, तो मुझे लगा यार किस्मत भी शायद कोई, absolutely, like ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो मेरे सिर्फ 5 दिन दिए थे मैंने और मेरे और भी काम लाइंड अप थे. तो अब मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो फ्री नहीं हूँ, अगर आपको मेरे साथ शूट करना तो मैं रात को 9 बजे फ्री होता हूँ. और कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने वहाँ पर सुबह 9 to 9 करा है, 1 घंटा ट्रैवल करा है क्योंकि वो नए गाँव में शूट होती थी, 1 घंटा वापस बॉम्बे ट्रैवल करा और फिर नाइट शूट करी है एक और चीज़ की, फिर मैं 2 मिनट घर गया हूँ, नहाया हूँ और फिर अगली, फिर नेक्स्ट नाइट मॉर्निंग नहाएगा. तो मैंने इतना ये करा है कि मैं ऐसा हो गया था कि मुझे कुछ, बस मैं चल रहा था, बस समझ नहीं आता, बट मुझे जुनून था
कि शुक्र है भगवान की कृपा से काम तो मिला है, एग्जैक्टली काम है। काम तो मिला है, तो लोग रोते हैं, लोग क्रिप करते हैं कि क्या हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, बट मेरे लिए था कि मुझे काम मिला है, दोनों मैं तो सार दोनों सुबह शाम रात काम कर रहा काम हूँ, कर रहा हूँ, ये इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो आई वॉज इंजॉइंग दैट, आई इंजॉयड दैट थिंग। तो उसके बाद का जो मतलब आपका जो दौर रहा, लाइक बिग बॉस में हमने आपको देखा, बिग बॉस 10 में आपने पार्टिसिपेट किया, उसका आप, क्योंकि एक और मैं सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे एक्टर और आर्टिस्ट ये सोचते हैं कि बिग बॉस में जाने के बाद लोगों का जो करियर है काम नहीं खराब हो होता, जाता खराब हो है, जाता तो है। उसके बारे में बताओ यार। मेरे लिए बहुत लकी रहा है क्योंकि वहां पे मैं रह ही 2 महीने 2 हफ्ते हूँ, किसी को पता है तो मैं रह ही 2 हफ्ते हूँ, अगर मैं लंबा रहता शायद मुझे काम नहीं मिलता। अच्छा ऐसा बट है, मेरा है कि मतलब आप 2 हफ्ते इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो? हाँ इस बात को एक्सेप्ट करते हो? करता हूँ कि मैं 2 हफ्ते ही रहा और लोगों को इतना पता भी नहीं चला, और उसके बाद मेरे को तो और बहुत काम मिल गया। हाँ मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यार एक बार बिग बॉस में एंट्री हो गई तो हाँ, काम नहीं मिलेगा। दैट्स जो मैंने ऑब्जर्व करा है, जो बहुत आज आपने भी ये सवाल पूछा है, जो लोगों ने बहुत ऑब्जर्व करा है कि यही होता है कि हाँ आपके पास फेम बहुत आता है, आप बहुत स्टार बनते हो, बट अगले बिग बॉस में फिर वो कोई स्टार बन जाता है, वो नेक्स्ट ईयर आने के बाद आपको भूल जाता है। आज आपको सारे मीडिया ले जाएगी, आपके हर जगह जाओगे, आप फोटो लोगे, अगली बार अगला बिग बॉस आएगा आप नए कंटेस्टेंट आ जाएंगे। तो दैट्स ओनली अ शॉर्ट लिफ्ट पीरियड। आप अपने काम, मेरे को नहीं लगता कि बिग बॉस करके या कुछ करके, कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं बिग बॉस करके या काम अच्छा भी कर रहे हैं, बट रेशो बहुत कम, रेशो हम देखेंगे तो वो बहुत कम, रेशो बहुत कम। अच्छा आपके करियर में एक बहुत बड़ा मतलब बूम वाला जिसने रोल निभाया था, आपने क्योंकि बॉलीवुड में वहाँ से एंट्री की थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो वो कैसे जर्नी, मतलब टीवी से, लाइक एक तो आप बिल्कुल नॉन एक्टर से जी, आपने जी, करियर स्टार्ट किया, रोडीज से आए, सीरियल मिल गया, अब सीरियल वालों को बॉलीवुड में इतनी जल्दी चांस नहीं मिलता, तो ये कैसे हुआ है? मुझे खुद नहीं पता है। और उस वक्त बहुत ज्यादा था कि अगर आपने टीवी करा है तो आप एग्जैक्टली वो प्रेफर ही नहीं करते थे, आज की डेट में फिर चलता है क्योंकि ओटीटी आ गया हमारे पास, बट तब नहीं था। आई थिंक आई वॉज द सुशांत के बाद मैं ही था जो टीवी से मूवीज में था। मूवीज में गए तो मेरे को भी समझ नहीं आता था, मेरे को भी डर लगा कहीं को पता ना चल जाए कि टीवी करा, कहीं को पता ना चल जाए कि मैंने टीवी करा, तो समझ लो तो ऐसा था मेरे लिए। तो पता चला था कि ऑडिशंस हो रहे हैं, राइट, किसी के थ्रू पता चला कि उनको एक पंजाबी लड़का चाहिए, तो मैंने कहा यार मैं तो पंजाबी हूँ, हाँ, तो चाहिए। फिर मैंने पूछा किसी से, फिर उन्होंने बताया, जो अपना एक बात बता दो, जो चूचा नहीं है वो पहले कास्टिंग डायरेक्टर था, तो वो बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर है नंदिनी श्रीकांत, उनके अंडर काम करता था, उनके असिस्टेंट, सो ही वाज इनटू कास्टिंग। तो वो चंडीगढ़ मेरे ही सेक्टर का है, आर्ट सेक्टर का, तो उसको मैंने बोला तो वो कहता हाँ पाजी मैं तो आपको जानता हूँ, आप तो बड़ी गेड़िया मारते थे आर्ट सेक्टर पे, तो मैं कहता है मैं तो कुछ भी नहीं, मतलब तो ऐसे पता होता है लोकल। वो एक चीज थी कि जब मैं ऑडिशन गया तो अच्छी तरह उसने ऑडिशन ले लिया, एंड देन एक हुआ, फिर दूसरी बार एक को हुआ, फिर डांस करना था, तो 3-4 राउंड थे उसके, ऐसा नहीं था कि एक सिंपल मैंने ऑडिशन दिया और हो गया जी हाँ जी यू आर डन, राइट। और पहले तो रिजेक्शन का आ गया था मुझे कि सॉरी आप नहीं हो पाए, तो मैं कहा अच्छा, तो बहुत बुरा लगा था, बट कट टू 2 दिन बाद कॉल आता है नहीं 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 वी आर रिकंसिडरिंग यू, सो प्लीज यू आर ऑन होल्ड। तो जब वो फोन आया ना मुझे, तब मेरे को ऐसे अंदर से आवाज है कि यार ये रोल अब तेरे से कोई नहीं छीन सकता, ये तो तेरा ही है, राइट एग्जैक्टली। एंड कट टू फिर 1-2 दिन बाद आ गया कि यस यू आर फाइनलाइज्ड, वाओ। तो तब मेरे को हुआ था कि आपने दोनों उसके सीक्वल्स किए हैं 1 और 2, यार राइट। अच्छा मतलब बॉलीवुड में एंट्री होने के तो बाद वही आप लकी चाम कह सकते हैं मुझे। हाँ। तुम्हारा लकी चाम बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, मतलब कहते हैं ना किसी के ग्रेप बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं, वो ही कर रहा है। मतलब बॉलीवुड में एंट्री करने के बाद आपने फिर एक एजाज खान के साथ भी मूवी की, राइट, और तो फिर वापस आपका करियर टीवी की तरफ वापस क्यों मूव ऑन हुआ, क्योंकि आपने बॉलीवुड की मूवीज की हैं? हाँ मेरे को ये लगता है कि एज एन एक्ट ऑफ कोर्स ही बात है, देखो आप मूवीज में करते हो, लोग आपको पसंद करते हैं, ये होता है, बट कई बार नहीं हो पाता है, लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो नहीं घुसने देते हैं अंदर, तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं। मैं अब इतना सबको ही पता है आज की डेट में जो भी होती हैं चीज़ें, तो मेरे से नहीं होती है, मैं किसी के जी हुजूरी नहीं होती मुझसे, मैं अपनी बस कला से, मुझे अपनी कला पे भरोसा है, मुझे अपनी कला पता है कि हाँ मैं अच्छा कर, जो मुझे पता है अपने पे, तो वो उसी के बलबूते पे मैं आगे बढ़ता हूँ, बढ़ रहा हूँ और बढ़ता रहूँगा। कोई ऐसा कैरेक्टर जो अभी तक प्ले किया उसमें बहुत मज़ा आया और इन्जॉय भी किया, मतलब उसके बारे में हमसे कुछ शेयर करें? फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने बहुत से कैरेक्टर्स करे हैं, बहुत अलग, बहुत लाउड, कभी कॉमेडी, कभी सीरियस, कभी लव, कभी ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं अभी हम, इट्स वेरी डिफरेंट। और मुझे
थोड़ा बहुत डाउट था अपने आप पे कि मैं कैसे करूँगा, क्योंकि बहुत कम शब्दों में ये बात करता है इंसान, बहुत कम रिएक्ट करता है, बहुत कम चीज़ें करता है लाइफ में, एंड तब भी आपको दिखाना है कि लोग प्यार करें इससे, मतलब बहुत चीज़ बहुत बहुत डीप है ये कैरेक्टर, मतलब ऐसा मैं कहूँगा तो। और ये प्ले करके मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आता है कि बहुत खुशी होती है जब मैं करता हूँ, कि एंड मैं एक अलग ही इंसान होता हूँ जब एक्शन होता है। अभी एक मेरी सीरीज़ आने वाली है 14th of April को हंगामा प्ले पे और MX पे, तो इट्स गोना बी रिलीज इन 7 platforms। उसमें मैंने एक गांव का, बिहार यूपी का एक गांव का लड़का प्ले करा है। अच्छा, जी, क्या बात है। और वो 3 languages में, वो भोजपुरी में, हिंदी में, इंग्लिश में रिलीज होगी। वेरी तो गुड। इट इज़ अ न्यू थिंग। जो मैंने MX प्लेयर पे वो मिसिंग चैप्टर करी थी वो यूपी एक्सेंट था, तो उसके लिए मैंने यूपी एक्सेंट सीखा। हाँ, यहाँ के लिए मैंने थोड़ी बिहारी भोजपुरी सीखी। वाह, ये जो कर रहा हूँ पंजाबी आपको आती है? पंजाबी आती है, बट इसमें पंजाबी में, पंजाबी में नहीं। हाँ, पंजाबी तो अलग है, बट देन ये इसमें पंजाबी नहीं है कुछ भी। इट्स अ वेरी इंग्लिश हिंदी मिक्सचर। ओके, ऑफिस का शो है कि क्या होता है ऑफिस में चीज़ें। सो इट्स फुल दैट ड्रामा, फुल दैट सीन। एंड एक मिसफिट है लड़का, सो शो इसका नाम है मिसफिट। मिसफिट, तो आई एम द मिसफिट इन द ऑफिस। ऑलराइट, तो ये कौन से चैनल के लिए बना रहे हैं आप? ये मोस्टली अमेजोन या हॉटस्टार पे रिलीज होने वाला है। ऑलराइट, तो इनके बीच में कौन वो चल रहा है अभी। अच्छा, मैंने अभी आपके कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट ऐसा देखा था जिसमें बहुत लोगों ने आपको, आपने ऐसा एक पोस्ट डाला था, शायद याद होगा, लोगों ने बहुत फिक्र के साथ आपको पूछा था क्या हो जी, गया जी, जी, साहिल जी, के साथ जी, क्या हो जी, गया जी, जी, जी। तो ऐसी क्या बात हो गई थी, मतलब लोगों को आपने डरा ही दिया था? क्या हुआ था कि आई डिड अ शॉर्ट मूवी पात्र करके, तो जब आप देखेंगे यूट्यूब पे है पात्र, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ। वो इतना मैं घुस गया था उस कैरेक्टर में, क्योंकि हम एक जगह शूट कर रहे थे जहाँ 3 दिन थे हम, और राइट 3 दिन ऐसा था कि मैं ना नहाया हूँ, ना मैंने किसी से बात करी है वहाँ पर किसी, और मैं उसी 3 दिन वही कपड़ों में था, वही लुक में था, वही कैरेक्टर में था। जब मैं सो रहा था तब सोने को बहुत कम मिल रहा था, क्योंकि शूट हम कर रहे थे, तो जब सो भी रहा था तब भी मैं उस कैरेक्टर में ही जी रहा था। तो मुझे लगा था कि 3 दिन बाद मैं बाहर आ जाऊँगा उससे, बट वो हो नहीं पाया। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू कम आउट ऑफ द कैरेक्टर, राइट तो वो बहुत ज़्यादा मेरे को मेंटली, मैं डिस्टर्ब हो गया था उससे। तो वही चीज़ मैंने बस ये आगे बोला था कि भाई मैं थोड़े दिन ऑफ सोशल मीडिया जा रहा हूँ। मैं जब सबसे दूर चले गया तो लोग घबरा गए कि क्या हो रहा है। जहाँ एग्जैक्टली पे मैं अपने आप के साथ, जहाँ पे मेरी जो अपना ये साइकेट्रिस्ट थी, उसने बोला था कि जस्ट बी विद योर सेल्फ, मतलब उस थेरेपीज चली थी थोड़ी मेरी, तो उसने कुछ कुछ मेरे को चीज़ें बोलती कि आप दूर रहो इन सारी चीज़ों, सोशल मीडिया बंद कर दो, फ़ोन बंद कर दो, किसी से बात ना करो। तो मैंने बस लोगों को ये बोला कि अगर मैं थोड़े दिन के लिए मैं जा रहा हूँ तो ऐसे, बट लोगों ने दूसरे और वे में एग्जैक्टली और ज़्यादा ले लिया और वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सो साहिल की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी तक आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर विद साहिल आनंद। साहिल, व्हाट डू यू लव द मोस्ट? माय मॉम। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? पीस। सनराइज और सनसेट? सनसेट। इफ यू कुड से वन थिंग टू गॉड, व्हाट वुड यू से? प्लीज, जिसको जो बनना है वो बनाओ। डू यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ बोरिंग और फन पर्सन? फन। विच प्लेस यू वॉन्ट टू ट्रेवल? Right now, Miami. Do you believe in destiny? Of course. Like I'm example of destiny only. Okay. What's something new happening in your life right now? It's work and parties. If you could secretly seek into one person's life, who would be? Modi ji. Okay. If you get a chance to talk to PM, what would you talk about? I would definitely talk about corruption in India. What's your favorite color and why? My I have a lot of favorite color. I have violet, purple. Sorry, purple, green, and peach. First celebrity crush. Kareena Kapoor. What is your nickname? Akku. 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 Two things you would change about yourself. गुस्सा आता है थोड़ा हल्का सा, तो पंजाबी में पंजाबी खून है वो, और एक कि मैं पार्टीज बहुत करता हूँ थोड़ा वो तो प्लानिंग है यार, और थोड़ा हाँ वो तो है, थोड़ा कम कर दूँ यार, बस सैटरडे भी होता है, आज का पार्टी करनी, आज का पार्टी करना, अब काम हो गया। लाइक इट्स माय वर्क इन द डे, लाइक फ्रॉम रात में पार्टी करा लो, 7 आई एम वर्किंग, रात को 9 बजे के बाद पार्टी पार्टी चाहिए, अगले दिन फिर काम। ये मेरे, ये लाइफ, दिस इज द लाइफ व्हाट आई सी एंड आई वांट।
one food you would not want to give up? I think butter chicken. What's your favorite car? Right now, it's Range Rover, which I want to buy. Yeah. If Noora Fateh and Modi both were drowning and you could save only one, who would it be and why? Noora Fateh. Because I am into girls. So daring, man. Yaar, Sahil bahut daring ho gaya. Very good. What's your favorite clothing brand? Zara. And lastly, Shiraz Khan show ke liye aap kya kehna chahenge? मैं कहना चाहूँगा कि मज़ा आ गया मुझे और लाइक इट्स योर शो एंड तू इतनी मेहनत कर रहा है एंड यू आर बैक इन दिल्ली एंड देन ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट एंड आज हम कितने साल बाद बात हुई है दो साल यू आर डूइंग सच गुड थिंग्स कि लोगों को हमारी लाइफ के बारे में पता चले लोगों को हमारे बारे में पता चले एंड थ्रू यू दे विल गेट टू नो एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड कीप डूइंग दिस थिंग एंड कीप रॉकिंग ब्रदर थैंक यू सो मच एंड होप यू लाइक द स्टोरी ऑफ साहिल आनंद और अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बूम.